नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि जो अतिरिक्त विषय आप लोगों को दिए जाते हैं आपके 10th और 12th क्लासेस में, तो इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये ज़रूरी है इनको पढ़ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि मैम क्या इनके जो मार्क्स होते हैं वो हमारे पास या फेल होने में भी कुछ मैटर करता है उस सबसे। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही प्यारे से कोट से हम शुरू करते हैं। तो एक कोट लिखा गया है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसका क्या अर्थ है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए आज आपको, जो कि बहुत टफ लग रहा है, बट आने वाले टाइम में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए अब इसी कोट के साथ, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाया क्यों जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि छात्रों को एक्स्ट्रा करिकुलर से जोड़ने के लिए हम 10th क्लास में 12th क्लास में ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना पसंद नहीं करते हैं, लाइक गेमिंग एंड ऑल। हम गेम के पीरियड्स भी बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वाई? बिकॉज स्ट्रेस होता है हमें स्टडीज़ का। तो उस एक्स्ट्रा करिकुलर से जोड़ने के लिए, ताकि हम कुछ एक्टिविटीज़ कर पाएँ, पढ़ाई से हट के कुछ नया सीख पाएँ, रोचक जानकारियाँ और तथ्य समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपके जनरल नॉलेज में होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई भी ज़रूरी है, वो तो है ही बहुत ज़रूरी, लेकिन एडिशनल नॉलेज भी स्टूडेंट्स को साथ के साथ होते रहनी चाहिए। तो इन तथ्यों को समझना और रोचक जानकारियाँ गेन करना, ये सारे रीजंस होते हैं। पढ़ाई के बीच तनाव को कम करना, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप होम साइंस ले रहे हैं, मान लीजिए एडिशनल सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ आप रिलेटेड टू होम, रिलेटेड टू साइंस सारी सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, कुछ कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने को आपको मिलेंगी। पढ़ाई के साथ साथ नई जानकारियाँ लेने के लिए, सिर्फ पढ़ाई ना होकर, सिर्फ साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स ना होकर आपके साथ कुछ ऐड ऑन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सो दैट आप पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ा सको। अब हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर क्यों करते हैं, कि क्या रीजंस हैं। तो कुछ छात्रों का मानना होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट्स जो हैं उनका झुकाव उस तरफ नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको उन सब्जेक्ट्स को अपने लिए क्रिएटिव बनाना है, बिकॉज अब आपको वो सब्जेक्ट्स मिल चुके हैं ना, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपको उसका एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो बेटर ये है दैट आप उसको झेलने की बजाय उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ लो, ताकि आप थोड़ा एग्जाम में स्कोर कर पाओ। तो एडिशनल सब्जेक्ट्स को ज़्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते, और वो सोचते हैं कि उनका इंटरेस्ट इसमें है नहीं, तो उसको वो नहीं पढ़ेंगे। और एक और पॉइंट ये भी है कि वो मानते हैं कि इस फील्ड में वो अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। हालांकि जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो जस्ट आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, जस्ट टू मेक योर माइंड क्लियर, एंड आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए होते हैं। तो ये फोर्स चीज़ें नहीं हैं कि आपको उसी फील्ड में फ्यूचर भी बनाना है। जैसे कुछ बॉयज़ का ऐसा मानना होता है दैट हम होम साइंस क्यों लें, ये तो गर्ल्स का सब्जेक्ट है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह का माइंडसेट जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में होता है, तो इसी वजह से वो इसको अपना भविष्य वाला एक कॉन्सेप्ट ना मानकर, एक टेम्प्रेरी चीज़ मानकर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। और इस विषय पर वो इसलिए भी ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं होता, और वो एक तरह से इस चीज़ को बोझ समझते हैं कि ये एक हमारे ऊपर बोझ डाल दिया गया है, दैट हमारे इन सब्जेक्ट्स के साथ हमें ये भी पढ़ना मैंडेटरी कर दिया गया है ज़बरदस्ती। तो चलिए अब देखते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके फ़ायदे में किस तरह से रहेगा। तो छात्रों को यदि अपने मुख्य विषय के साथ साथ अतिरिक्त विषय पर भी ध्यान देते हैं तो उनकी सामान्य जानकारी में बढ़ोतरी होगी। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर आप अपने अपने मेन सब्जेक्ट्स के साथ दूसरे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, या GK GS इस तरह की चीज़ें एड ऑन करते रहते हो, तो आने वाले टाइम पे, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइम आने वाला है, अगर आप स्कूल से कॉलेजेस से निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी नॉलेजेस होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इससे आपका जो है IQ लेवल उसमें भी बढ़ोतरी होती है। ये मैं आपको फ़ायदे बता रही हूँ, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपर रेगुलर सब्जेक्ट्स की तरह, अपने मेन सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो आपका IQ लेवल इंक्रीज़ होगा, आप बेटर नॉलेज गेन कर सकेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो इसके थ्रू आपको मिल सकता है वो है,
अतिरिक्त विषयों की बदौलत आप अपने नंबरों में भी इजाफा कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका हाउ, कि आपने एग्जाम्स दिए बट आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें सम हाउ आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स मिले हैं, लेकिन अब आपको वो आप मेंटेन कर सकते हो वो चीज़ कि आप उसमें भी पास होना चाहते हो, तो आपको जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसके थ्रू आप उस सब्जेक्ट में भी पास हो सकते हो। तो आपके मार्क्स बढ़वाने में एडिशनल सब्जेक्ट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए भी आपको एडिशनल सब्जेक्ट अपने बेनिफिट के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम मेहनत में अधिक लाभ, अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है इसको समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अतिरिक्त विषय यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ते हो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसके लिए, ज़्यादा आपको ये नहीं है कि क्लासेस लेकर आपको टेस्ट भी देने हैं एंड उसके इंटरनल्स भी हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपको इतने बड़े लेवल पर नहीं करनी पड़ती है जितना आपको मेन सब्जेक्ट्स के लिए फोकस करना पड़ता है। आप यहाँ थोड़ा सा भी पढ़कर अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हो, अगर आपके साथ ऐसा हो गया बाय द सिचुएशन कि आपके मेन सब्जेक्ट में किसी में कम आ गए मार्क्स, तो आप अपने यहाँ पर इन मार्क्स का यूज़ भी कर सकते हो। तो अतिरिक्त विषयों के अंक की सहायता से आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। इस विषय को अपने मुख्य विषय के बाद पढ़ना चाहिए। अगर आप स्ट्रेटजी पूछेंगे कि किस तरह से हम एडिशनल सब्जेक्ट्स को भी अपने मेन सब्जेक्ट्स के साथ ऐड ऑन कर लें, तो इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आप मेन सब्जेक्ट्स की जो टाइमिंग्स हैं उसको उतनी ही रखें, उसमें किसी भी तरह की कमी बरतने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने एडिशनल सब्जेक्ट में भी उतना टाइम थोड़ा टाइम देना होगा दैट इतना कि आप उसको थोड़ा स्कोर कर सको उसमें, जिससे आपको मुख्य विषय भी याद रहेगा जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अपनी बाय योर चॉइस लिए हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके एंड आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके, और आपको साथ ही साथ रिविजन का भी टाइम मिल सके और आप एग्ज़ाम्स में बेटर स्कोर कर सकें। फ्रेंड्स, इसी तरह की एग्ज़ाम टिप्स और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।